राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी को नवरात्रि आने वाली है, उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। तो देखिए, उसी की तैयारी चल रही है, तो आज का ब्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ। ये मैंने 2 दिन पहले स्टार्ट कर दी थी तैयारी, यानी कि साफ़ सफाई मंदिर की, जो मेन मंदिर है उसकी साफ़ सफाई तो मैंने पहले ही कर ली थी। और ये जो जहाँ पर हमारे जो लड्डू गोपाल जी विराजमान रहते हैं, उस एरिया को पूरा खाली करके उसको भी मैंने अच्छे से साफ़ किया, यानी कि जो कारपेट वगैरह था, जो ग्रास थी, दोनों को हटा करके अच्छे से वॉश कर लिया और धूप में सुखा दिया था ताकि वो अच्छे से सूख जाए। और 1.5-2 घंटे में सूख गया था इजीली, क्योंकि आजकल धूप भी काफ़ी तेज़ पड़ती है। पूरा इस एरिया को क्लीन करने के बाद मैंने इसको वापस से सूख गया, उसके बाद वापस से इसको अरेंज कर दिया। तो देखिए, सारी चीज़ें मैंने वापस से लगा रही हूँ मैं इसको सफाई करने के बाद, क्योंकि कल से है नवरात्र शुरू और फिर इतना टाइम मिलेगा नहीं, तो इस यहाँ पर भी पूजा करनी है, वहाँ पर भी पूजा करनी है, और 9 दिन पूरे ही जो तैयारी करनी पड़ती है वो फिर इतना। देखिए, यहाँ पर भी भगवान जी है, तो भगवान ही है, उनको भी अच्छे से उस एरिया को भी क्लीन करना है। और घर की साफ़ सफाई तो मैंने अपने ब्लॉग में की थी, थोड़ी थोड़ी मैंने कर ली थी, जहाँ जहाँ पर भी जहाँ मेरे पॉसिबल होता और जहाँ तक मैं कर पाती थी, जैसे किचन वगैरह की सफाई है, जैसे प्याज लहसुन वगैरह का खाना नहीं बनता तो वो भी मैंने हटा दिए थे। और काफ़ी सारी चीज़ें किचन की है, ये दूसरे रूम की जो एक्स्ट्रा सामान है वो भी हटा दिए थे। इस रूम की भी मैंने ब्लॉग में, दूसरे वाले ब्लॉग में मैंने जो उसका पिछला या उससे पिछला था उसे शेयर किया था। इस रूम की भी काफ़ी सारी सफाई की थी, और ये जो पार्ट था ना वो रह गया था, ये जहाँ पर हमारे लड्डू गोपाल जी विराजमान होते हैं। तो देखिए, मैं तो इधर सफाई कर रही थी, आज मेरा जो किचन का जिम्मा है मेरी बेटी ने संभाल रखा है, वो बना रही है चिले, बेसन की चिले बना रही है। और ये देखिए, उसने फर्स्ट बार बनाया है, मैंने उसको बता दिया था कि ये सामान चाहिए, और उसने मतलब मुझे हाथ भी नहीं लगाने दिया, फर्स्ट बार बना रही है। और इतना बढ़िया, इतना शानदार बनाया उसने, बहुत ही टेस्टी बना बना करके सबको दे करके आ रही थी, बहुत ही टेस्टी बनाई थी। तो देखिए, उसने आज तक अभी कुछ भी नहीं बनाया, लेकिन अब वो आगे हो के अभी उसकी छुट्टियां चल रही हैं, मतलब ये एग्ज़ाम बाकी हैं उसके, तो अभी घर पर आई हुई है, तो वो कह रही मम्मा मुझे है ना थोड़ा सिखाइए। और वैसे भी बच्चों को आना चाहिए, देखिए वैसे तो हम कभी भी बच्चों को से कराते नहीं, क्योंकि बच्चों का पढ़ाई में, स्कूल जाने में, उसके बाद कॉलेज जाते हैं तो पूरा टाइम हो जाता है, तो थोड़ा बहुत आना चाहिए घर का काम। देखिए, ये मेरी जो नवरात्रि की जो तैयारी है मैंने सारी कर ली है। तो देखिए, काले तिल मंगाए हैं, बत्तियाँ, जो जरूरी जरूरी सामान जो चाहिए मैं आपको बता देती हूँ। ये चाहिए होती है, जो मेरे पास डब्बे में इस तरह से बना करके मैंने रखा हुआ है, कुछ देखिए मुझे कहीं ढूंढने की जरा भी जरूरत नहीं पड़ती है। इस तरह के मैंने 2-3 ऑर्गेनाइजर बना रखे हैं, जिसमें मैं सारी चीज़ पूजा की, जैसे धूप बत्ती है, अगरबत्ती है, ये सारी चीज़ पहले से ही मंगा कर, ऐसे भी आयोजन कुछ ना कुछ फेस्टिवल्स होते हैं, तो जैसे छोटा सा हवन मैं करती ही रहती हूँ, तो ये सारे जो ऑर्गेनाइजर है, ये मेरे धूप बत्ती का है, अलग अलग तरह की, अलग फ्लेवर की, जैसे चंदन का है, गुगल का है, बहुत सारे मेरे पास इसमें धूप बत्तियाँ रखी हुई। इस वाले, ये सिर्फ इस धूप बत्ती वाला ऑर्गेनाइजर है, तो मैंने पहले से जो ये हल्दी की गांठ है और क्या बोलते हैं सुपारी है, ये सब चीज़ें मैंने पहले से मंगा करके रखी थी ये डिब्बी में, क्योंकि हर पूजा में चाहिए होती है कलश वगैरह में डालने में, तो मैं इसमें रखती हूँ। एक ये मेरा ये बॉक्स है, इसमें जैसे कुमकुम वगैरह है, कपूर है, ये सारी चीज़ें पूजा में चाहिए होती है, ये भी मैंने पहले से मंगा कर रखी है। ये हमेशा डेली में काम भी आती है, जब हम सिंदूर वगैरह लगाते हैं, कुमकुम लगाते हैं, और ये धूप बत्ती कुछ एक्स्ट्रा अलग फ्लेवर की, बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। ये कपूर मंगा कर रखे हैं, क्योंकि छोटा सा जो हम ऑन करते हैं ना हम, तो उसमें हमें कपूर सबसे ज़रूरी होता है। कपूर वातावरण को शुद्ध करता है और नेगेटिव एनर्जी को दूर भगाता है और पॉजिटिव एनर्जी को हमारे आसपास रहने देता है। और ये ज़रूरी चीज़ें हैं जो छोटा सा हम करते हैं, जो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, जैसे और घी वगैरह है, जैसे देसी घी है, और ये सुपारी है, हल्दी की गांठ है, ये सब चीज़ें कलश में डालनी होती है, तो ये सब पहले मंगा कर रखते हैं। 1 रुपये का सिक्का है, और मेन रोली है, चावल है, काले तिल हैं, धूप बत्ती है, बत्तियां हैं, अगरबत्ती है, कलावा है, ये सारी चीज़ें पहले से तैयार करती हूँ। वैसे बेसिक सी चीज़ें होती ही हैं सब,
और जो हवन नहीं करते ये चीज़ ज़रूर, जो लोग नहीं करते, मैं तो छोटा मोटा करती रहती हूँ, जो लोग नहीं करते उनको ज़रूरी है। देखिए पंचमेवा है, नारियल मंगाया है एक, और मखाने हैं, काजू है, बादाम है, किशमिश है, ये सारी चीज़ें पहले से मंगा कर मैंने रख ली, यानी कि छोटी मोटी तैयारी मैंने पहले से कर ली थी ताकि मुझे एंड टाइम पर इधर उधर भागना ना पड़े। तो देखिए अष्टदल कमल के लिए मैंने रात को एक दिन पहले ही एक एक कटोरी मैंने चावल ले ली थी दो थैलियों में, और इनको जैसे मेरे पास फूड कलर था ग्रीन और ऑरेंज, इससे मैंने इनको कलर कर लिया। तो ठीक है थोड़ा थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, एक स्पून चम्मच डाल करके पानी का, और इनको इनसे कलर कर दिया। इससे क्या बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा कलर आ जाता है। बस हल्का सा इसको इस तरह से कर लेंगे उलट पलट, इससे क्या पूरा कोट हो जाएगा कलर, बहुत ही बढ़िया हो जाते हैं और बहुत ही प्यारा सा अष्टदल कमल बनता है। तो मैंने इस तरह से पहले से ही, और रात भर में ये सूख जाएंगे जब मैं बनाऊंगी सुबह तक, और जो भी मैंने एक कटोरी में मंगा लिए थे और उनको गला दिया था ताकि हमारे जो ज्वारे हैं अच्छे से हो गए सुबह, वो तो सुबह ही करना है सारा कुछ। तो जो तो मैंने गला दिए थे पानी में, और मिट्टी लेकर के आ गई थी जिसमें हमको जिस कुंडा बोलते हैं जिसको, उसमें हमें जो ज्वारे उगाने हैं। तो मैंने चावल भी तैयार कर दिए हैं, और सुबह मैं जल्दी उठूंगी ताकि सारे साफ सफाई करने के बाद, जो मंदिर का जो बेसिक साफ सफाई वो तो हो गई, लेकिन मंदिर का जब पूरा चौकी वगैरह जमाना करना काफ़ी हो जाता है। तो देखिए सुबह सुबह मैं उठ करके नहा करके तैयार हो गई, और मैंने सबसे पहले चौकी जमाई पूरा, जो माला वाला है मेरी बेटी ने भी मेरे से चाय हेल्प की थी, चौकी जमाई, और जो पीछे की तरफ जो भी बैकग्राउंड है या बैकड्रॉप है वो मेरी बेटी ने तैयार किया, बहुत ही प्यारा लग रहा था। ये देखिए रेड कलर का जो फ्लावर की माला है उससे बनाया था। अष्टदल कमल मैंने बना दिया, सबसे पहले चौकी पे बिछाया कपड़ा लाल कलर का, सबसे अष्टदल कमल बनाने के बाद मैं करूँगी कलर की स्थापना। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको ये कमल जो मैंने बनाया है कमल कैसा लगा, और कलावा बांधने के बाद कलश पर मैंने डाला है इसमें हल्दी की गांठ, सुपारी और एक रुपया और थोड़े से चावल इसके अंदर डालने के बाद मैंने इसको जो अष्टदल कमल बनाया है उस पर मैं इस पर रखूँगी। और मैंने एक कपड़ा लेकर के एक चुन्नी लेकर के जो हमने नारियल मंगाया था उस पर लपेट करके उस पर हम लगाएंगे कलावा, और उसके बाद बिंदी लगा करके मैं इस पर जो कलश है उसके ऊपर स्थापित करूँगी। तो मैंने उसको पानी भर लिया है कलश में जो लोटा है, और हमारे जो पत्ते हैं अशोक के पत्ते लिए हैं मैंने, ये बहुत शुभ होते हैं पूजा में, आम के पत्ते, अशोक के पत्ते, आप कुछ भी ले सकते हो। तो नारियल के ऊपर मैंने इस तरह से कलावा बांध दिया है, और बांधने के बाद अशोक के पत्ते अच्छे से तरह साफ कर लिए थे पहले ही, और उस पर बिंदी लगा करके कुमकुम बिंदी लगा कर उसको भी हम इस पर लगाएंगे, 5 या 7 पत्ते कोई भी कितने भी ले सकते हो। और इस पर बनाएंगे हम साठिया, उसके बाद हम इसको स्थापित करेंगे। पानी भर दिया था, और 1 रुपया हल्दी की गांठ, सुपारी और थोड़े से चावल और थोड़ा सा मिश्री मैंने इसके अंदर डाल दी थी, मिश्री ना हो तो बतासा भी आप डाल सकते हो। तो देखिए अब हम जो अशोक के पत्ते हैं वो इनको लगाएंगे, और मैंने पास से ही मंगा लिए थे, उनको धो करके पहले से ही तैयार करके रख लिया था। तो इस तरह से हम चारों तरफ कलश के अंदर लगाएंगे, उसके बाद कोई भी प्लेट लेकर के इसका हम ढक्कन लगाएंगे, और ढक्कन के ऊपर हम जो नारियल लिया है उसको हम जो हमने चुनरी से बांधा है उस पर हम स्थापित करेंगे। तो देखिए मैंने अशोक के पत्ते लगा दिए हैं इस तरह से, और हमारी माता जी भी देखिए कितनी अच्छी लग रही हैं, और जो हमने अष्टदल कमल बनाया है वो भी बहुत प्यारा लग रहा है। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको ये अष्टदल कमल उसके ऊपर स्थापित जो हमने किया है कलश वो कैसा लगा। तो देखिए अब हमारा जो कलश है वो हमने स्थापित कर दिया है माता जी का, और माता जी की बिंदी लगा दी है उसके बाद, और इस तरह से अब हम बनाएंगे माता जी को
माला। तो माला तो मैंने सुबह मंगा ली थी जल्दी से, क्योंकि मेरे गार्डन में अभी इतने सारे फूल भी नहीं हैं, तो माला ज़रूर चाहिए पूजा में। और कुछ फूल चाहिए अर्पित करने के लिए, जैसे गणेश जी हैं और कलश जी, कलश पर फूल भी हम अर्पित करना पड़ता है। कुछ खुले फूल माता जी को, अगर हो सके तो गुलाब का फूल या गुड़हल का लाल कलर का फूल उनका अर्पित करें। तो मैंने गुलाब के भी फूल मंगा लिए थे और माता जी को अर्पित किए, क्योंकि माता जी को लाल कलर बहुत प्रिय है। और माता जी के लिए मैंने लाल चुन्नी भी मंगाई है, बहुत प्यारी है। और अब हम दीपक प्रज्वलित करेंगे, उसके लिए हम सबसे पहले आसन देंगे चावल का और फूलों का। तो चावल और फूलों का आसन देने के बाद हम जलाएंगे दीपक, और ये हमने दीपक जला दिया है। और हम आरती करेंगे, आरती करने के बाद उनको हम वस्त्र धारण करवाएंगे, यानी कि कलावा, गणेश जी को भी धारण करवाएंगे और जो हमने दीपक जलाया है उनको भी। इस तरह से वस्त्र धारण कराने के बाद हम माता जी को भी इस तरह से कलावा चढ़ाएंगे। ये हमने माता जी को कलावा चढ़ा दिया है। ये सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप हमें करनी होती हैं। और सबसे बाद में हम चढ़ाएंगे हम माता जी को चुन्नी, रेड कलर की माता जी की चुन्नी है, ये देखिए कितनी प्यारी खड़ी हुई है और कलर भी बहुत प्यारा है। और इधर हमने जो एक कुंडा रखा था उसमें मिट्टी भर करके, जो हमें जो गला करके रखे थे रात को ही गला दिए थे, उनको मैं बो रही हूँ। तो इसमें साइड में मैंने उनको भी बो दिया है, थोड़ा सा उसमें पानी डाल दिया है। तो ये मेरा काम उसके बाद ये करना था। उसके बाद हम करेंगे छोटा सा हवन। तो उस हवन के लिए मैंने जो गाय का गोबर का जो उपले बोलते हैं उसको, कंडे बोलते हैं, थोड़ा सा लेकर के हमने उसको गैस पे सेक लिया था। उसके बाद इस तरह हम छोटा सा हवन करेंगे। तो मैं देखिए बताशा और लौंग का जोड़ा सबसे पहले उसमें अर्पित करती हूँ, उसके ऊपर एक रखती हूँ कपूर, और इस तरह से जो हवन सामग्री है उसको डाल करके छोटा सा हवन मैं करती हूँ। घी डालती हूँ साथ ही साथ, ताकि वो अच्छे से हमारा जो हवन है संपूर्ण हो जाए। और थोड़े से हम तिल भी अर्पित करते हैं, काफ़ी अच्छा माना जाता है काले वाले तिल। और इस तरह से मैं एक छोटा सा, ये जो हवन करती हूँ वो डेली 9 दिन में करूँगी, और बहुत ही बढ़िया होता है ये हवन छोटा सा, बहुत ही पॉजिटिविटी आती है और जो घर का माहौल है बहुत अच्छा रहता है इससे, और कपूर से वातावरण तो अच्छा होता ही है। तो देखिए अब हमारी जो पूजा है स्टेप बाय स्टेप पूरी हो गई है, अब हम करेंगे भगवान की आरती। तो बच्चों ने भी जो माता जी की है बिंदी लगा ली थी, क्योंकि इस तरह की छोटी मोटी पूजा है या घर में जो भी है फंक्शन, माता जी का बच्चों को ज़रूर पार्ट लेना चाहिए उसमें, ताकि वो हमारे रीति रिवाज सीख सकें कैसे होते हैं कैसे नहीं। जब बच्चे बाहर होते हैं तो नहीं कर पाते इतना, लेकिन घर में हैं तो ज़रूर उनको पूजा पाठ में इन्वॉल्व करना चाहिए, ताकि वो भी सीख सकें हमारे रीति रिवाजों को। तो बच्चे छोटे मोटे जैसे डेकोरेशन वगैरह है या किस तरह की चीज़ें क्या होता है सब में ज़रूर मेरा साथ देते हैं। और अब हम सब मिल करके आरती करेंगे माता जी की। और माता जी की आरती करने के बाद मैंने सबको आरती दे दी थी, और घर में जितने भी सदस्य थे सबको आरती दे दी, ताकि माता जी की कृपा सभी पर बनी रहे, सब खुश रहें और मतलब सब सुखी रहें, निरोगी रहें, बच्चों के खूब तरक्की हो और खूब पढ़ाई वढ़ाई में आगे हों, अच्छी नौकरियां मिलें, आप सबको भी मिलें, हमारे बच्चों को मिलें। और आशीर्वाद माता जी का और हमारे लड्डू गोपाल जी का आशीर्वाद आप सब पर हमेशा ऐसे ही बना रहे। और जिस तरह से आप मेरे चैनल को इतना प्यार दे रहे हो, बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हो, मेरे लड्डू गोपाल जी को बहुत प्यार दे रहे हो, तो इसी तरह से आप अपना प्यार बनाए रखिएगा। और बहुत बहुत थैंक्स आपको हमारे लड्डू गोपाल जी को माता जी को प्यार देने के लिए, बहुत ही आप सपोर्ट कर रहे हो और इसी तरह सपोर्ट करते रहिएगा। और हम जो माता जी हैं
इसी तरह हर साल अपनी कृपा हम पर और आप पर बरसाए रखें। तो ये माता जी की हमारी पूरी जो आरती है तो पूरी कंप्लीट हो गई है और अब मैं फल अर्पित करूँगी माता जी को और ताकि भोग प्रसाद में सबको हम बाद में इनको दे देंगे। तो देखिए माता जी की जो पूजा है और हवन है, एक छोटा सा हवन जो मैंने किया था, ये हवन छोटा सा हवन मैं 9 दिन पूरे करती हूँ और बस इसी तरह से छोटी सी पूजा जो मैं हमेशा करती हूँ। तो देखिए इधर मैंने जवारे भी बो दिए थे, मैं आपको दिखा रही हूँ, ये हवन है। थोड़ा सा बीच बीच में हम जैसे धूप जो सामग्री वो भी डालते रहते हैं और घी, बीच बीच में कपूर भी डालते रहते हैं ताकि हमारा जो है हवन है अच्छे से संपूर्ण हो जाए। बहुत ही बढ़िया खुशबू आती है और गूगल की एक धूप बत्ती भी हम इसमें डाल देते हैं ताकि वो अच्छे से डल जाए और गूगल बहुत अच्छा होता है, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी पूरे घर में विद्यमान हो जाती है। तो देखिए कर लीजिए हमारी माता जी के दर्शन, बहुत ही बढ़िया अद्भुत दर्शन, बहुत ही कलात्मक माता जी है हमारी। और ये देखिए कितनी प्यारी लग रही है, इतनी सुंदर प्रतिभा, इतनी सुंदर चुनरी और इसी तरह से माता जी हमारे ऊपर 9 दिन हमारे घर में विद्यमान रहे हैं और अपनी कृपा पर बरसाते हैं। देखिए आगे चलते हैं हम और आपके साथ शेयर मैं करती रहूँगी। और माता जी से हमें एक चीज़ सीखने को मिलती है कि किस तरह से हम अपनी सोच को पॉजिटिव बनाएं और बहुत ही हिम्मत और बहुत ही ताकत हमको मिलती है। तो देखिए यहाँ हमारे लड्डू गोपाल जी का जो आज श्रृंगार किया गया है, इतनी सुंदर ड्रेस बनाई गई है, इतनी प्यारी बंदेज की, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं ये, देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं। और ये मैं स्पेशली लेकर के आई थी मतलब आज के लिए नवरात्रि के लिए, और आज मैंने उन्होंने भी बंदेज की पहनी थी, मैंने भी रेड कलर की बंदेज की पहनी, तो इतना प्यारा इतना लाड़ आ रहा था बस पूछे मत, तो मैंने खूब लाड़ लड़ाया हमारे लड्डू गोपाल जी। और आप भी कमेंट बॉक्स में बताइए कि हमारे लड्डू गोपाल जी इतनी सुंदर जो ड्रेस पहनी है आपको कैसे लग रहे हैं, इतने प्यारे लग रहे हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आपको मेरे लड्डू गोपाल जी के प्यारे लग रहे हैं, सुंदर सुंदर लग रहे हैं, तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और जब देखिए इधर फिर उसके बाद में आ गई थी शाम को, हमने जो डेकोरेशन की थी वहाँ थोड़ी लाइटिंग भी कर दी थी, तो आपको दर्शन कराती हूँ हमारे माता जी के जो चौकी लगाई है वहाँ पर मैं। उसके बाद मैंने शाम का खाना बनाया और ये देखिए कितनी अच्छी मतलब चमक रही है एकदम से, जो चौकी बनाई है ना एकदम से इतना प्यारा लुक आ रहा है ये देखिए आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो देखिए मैंने बच्चों के लिए कपड़े चेंज करने के बाद बनाई बच्चों के लिए भिंडी। अब देखिए 2 बच्चे हैं, दोनों के बच्चों की अलग अलग पसंद, एक तो काफ़ी सारी मैंने भरवा भिंडी मसाला एक एक को मसाला भर के बनाती हूँ मैं इस तरह से, और आधी मैंने काट। तो देखिए मेरी जो बेटी है एक को पसंद है भरवा, अतः हम लोग इसके पापा मैं खा लेती हूँ भरवा, मुझे तो ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन उसको क्या है कि भिंडी कटी हुई इस तरह से गोल गोल बड़ी पसंद है, तो मैंने चलो आधी मैं भरवा बना लेती हूँ और आधी काट करके। अब दोनों की अलग अलग पसंद, जैसे मैं पनीर भी बनाती हूँ ना, जैसे पालक पनीर बनाती हूँ उसमें भी यही चक्कर होता है, पालक पनीर एक को पसंद नहीं है, एक को बाकी तीनों को पालक पनीर पसंद है, तो एक के लिए प्लेट पनीर बनाना पड़ता है। सेम भिंडी में भी यही है, एक को गोल पसंद है और बाकियों को भरवा भिंडी पसंद है, तो बस चलो मैंने चलो ऐसे दो मैंने कढ़ाई रख दी है, तो एक में मैं गोल गोल काट करके डाल दिए हैं और एक में डाल रही हूँ भरवा, तो भरवा तो मैंने बैठ करके आराम से सारी भर ली थी और सब्जी काट करके मैं इधर ले करके आ गई किचन में, फटाफट से 2 कढ़ाइयाँ रखी और बस दोनों को छौंक दिया। तो इधर डालूँगी मैं भरवा भिंडी भरने के लिए, और जो गोल गोल काटी है उसमें मैं क्या करूँगी कद्दूकस करके मैंने डाल लिया है टमाटर, थोड़ा अलग टाइप से बनाती हूँ, थोड़ा सा मसाला हो जाता है उसमें, और उसमें डालूँगी थोड़ी सी मलाई, हल्की सी मलाई थोड़ी सी पक जाएगी ना, उसके बाद डालूँगी नमक सबसे लास्ट में, वरना थोड़ी सी लस्सी सी हो जाती है, पानी छोड़ने लग जाती है, उसको खुला ही बनाऊँगी, उससे क्या थोड़ा सा मसाला भी बन जाएगा और बहुत बढ़िया बनेगी, एकदम से अच्छी बनती है, बहुत टेस्टी लगती है। तो आप भी इस तरह से बनाइएगा कभी, बहुत ही अच्छी लगेगी और जो इसका जो टेक्स्चर है ना बहुत ही बढ़िया लगता है, मसाला भिंडी बोल लीजिए किसी भी बोल लीजिए।
कई बार दही बंडी भी बनाती हूँ मैं, वो भी अच्छी लगती है, ये भी बहुत अच्छी लगती है। मलाई डालकर जो बनाते हैं हम, मलाई डालकर अगर आप बनाते हो ना तो उसको ढक कर के कभी मत पकाइए, उसको खुला पकाइए, बहुत ही अच्छी लगेगी। तो थोड़ी सी मलाई डाल दूँगी, उससे क्या है अच्छा सा टेस्ट आ जाएगा, थोड़ी वो कहते हैं रिच भिंडी, वो रिचनेस आ जाती है भिंडी में। तो हल्की सी मैं टमाटर में डाल दूँगी इस तरह से, और फिर मैं इसको पकाऊँगी। और इस अभी मैं नमक नहीं डालूँगी, बाकी बेसिक से मसाले जैसे हल्दी है, धनिया है, मिर्च है, और ये सब चीज़ डाल करके अच्छे से मसाला पका लूँगी। बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करूँगी, जब क्योंकि ज़्यादा ओवर कुक करने से क्या है कि उसका ऑयल निकल जाता है मलाई का। थोड़ा सा पका, उससे पहले ही हम भिंडी डाल देंगे ना, और फिर उसको खुला पकाएंगे, बहुत ही बढ़िया बनेगी। और नमक हम डालेंगे सबसे लास्ट में जब पकने वाली हो। बस इसको हम अभी खुला ही पकाएंगे और बराबर चलाते रहेंगे, और गैस का फ्लेम थोड़ा कम ही रखेंगे, वरना जो मलाई है जलने लग जाती है। और साथ ही साथ मैं अब लगा लूँगी थोड़ा सा आटा, जब तक मेरी दोनों भिंडी पकेंगी। थोड़ा सा नमक डाल लेती हूँ और आटा लगा लेती हूँ, और बाद में थोड़ा सा मैं सैलेड काट लूँगी। दही वगैरह मैंने जमा दी थी क्योंकि मेरा तो व्रत है, और ये बच्चों का और पापा वगैरह का खाना बना रही हूँ, क्योंकि उन लोगों का किसी का भी व्रत नहीं है। क्योंकि बच्चों की तो पढ़ाई चल रही है, तो बच्चों का बच्चा मतलब इतना नहीं कर पाते, क्योंकि उनको पढ़ाई के साथ साथ सारा मेंट करना पड़ता है, तो वो फिर उनको भूख वगैरह लगती है, तो फिर नहीं कर पाते। कोई बात नहीं, पहले करते थे बच्चे जब इतना नहीं कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे, क्योंकि गर्मी भी है, सर्दियों में फिर भी चल जाता है, लेकिन गर्मियों में ना नवरात्रि नहीं कर पाते बच्चे। तो कोई बात नहीं, मैं कर रही हूँ, और मैं आटा लगा रही हूँ इधर, ताकि फटाफट से सबको खाना खिला दूँ, और फटाफट से तैयार हो जाता है। और मैंने थोड़ा सा अपने लिए साबूदाना गला दिया था, मैं उसकी खिचड़ी बनाऊँगी, ताकि थोड़ा सा ऐसे निपट जाएगा, साफ़ हो जाएगा, कि बार बार फिर आटे वाटे के हाथ लगते हैं, तो वो मैं थोड़ी देर बाद में बनाऊँगी, ताकि इन सबको खिलाने के बाद अपनी खिचड़ी बना लूँगी, झटपट बन जाती है। और मैं बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं करती, क्योंकि मेरा अकेला का व्रत है ना, तो मैं ये नहीं कि ये भी बना लिया वो भी बना लिया। दिन में जैसे कोई फ्रूट्स है बस, अगर है तो ठीक है, और बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बनाती खाने के लिए। एक टाइम जैसे सागर वगैरह करती हूँ, तो एक टाइम ही करती हूँ, या कुछ ही बना लिया, हल्का फुल्का ही बनाती हूँ। और अब आटा लगाने के बाद मैं सबको चपाती वगैरह बना लूँगी, बहुत ही बढ़िया लगती है। और मुझे साबूदाने वगैरह की खिचड़ी वगैरह भी वही ठीक लगती है, क्योंकि ज़्यादा तला भुना मैं नहीं बनाती हूँ, और झटपट बन भी जाती है, हल्का फुल्का। हाँ, कोई खाने वाला है तो मैं फिर भी थोड़ा ट्राई कर लेती हूँ, और अकेले के लिए क्या करना, अकेले तो फटाफट। जितना व्रत करने का मतलब है कि आपको हल्का ही रहना है, तो मैं बस इसी हिसाब से करती हूँ। और आजकल थोड़ा सा ज़्यादा मेरा जो वेट है काफ़ी कम हुआ है, तो वेट कम ही अच्छा रहता है। काफ़ी दिनों से मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, मैं जो रेसिपीज हैं मेरा किस तरह से मैं अपना जो वेट जर्नी है किस तरह से लॉस कर रही हूँ, और बहुत ही बढ़िया मेंटेन हो रहा है। अभी जो हो रहा है ना बहुत ही बढ़िया, गर्मी है तो इजीली हो भी जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा अपन को खाने की इच्छा भी नहीं होती है, और अपन खा भी नहीं पाते हैं। उस हिसाब से मैं किस तरह से गर्मी की रेसिपीज बना रही हूँ, ताकि आपका जो हेल्थ है वो भी अच्छा रहे। तो देखिए, 3 बाटी बची थी फ्रिज में, तो मैंने इनको निकाल करके इनको कोई थोड़ा सा क्रश करके इनका बना दूँगी चूरमा, तो सब थोड़ा थोड़ा ले लेंगे। तो छोटे छोटे टुकड़े करने के बाद मैं इनको मिक्सी में पीस लूँगी। मिक्सी में पीसने के बाद थोड़ा सा इसमें बूरा, इलायची या ड्राई फ्रूट मिला करके इनके बना दूँगी लड्डू, बहुत बढ़िया। थोड़ा थोड़ा सा ले लेंगे, छोटे छोटे लड्डू बन जाएंगे तो ख़त्म भी हो जाएगा। अब बाटी कोई खा नहीं रहता थे, तो देखिए ये बन गए बढ़िया से भिंडी, करारी भिंडी, ये मेरी बेटी की। और एक तरफ बन गई है भरवा भिंडी, बहुत ही टेस्टी लगती है। तो ये बन गया है मेरा खाना आज का, ये हमारा प्यारा सा स्पेशल नवरात्रि ब्लॉग। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए। ब्लॉग अच्छा लगे
लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको मेरा प्यारा प्यारा सा नवरात्रि ब्लॉग कैसा लगा। थैंक यू। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी बधाइयाँ और शुभकामनाएं। आपके नवरात्रि के 9 दिन बहुत ही अच्छे से निकले। थैंक यू। राधे राधे।